तो भाई फाइनली अपना पहला मैच आज देखने जा रहा हूँ आईपीएल का, वो भी स्टेडियम में। पिछले साल पूरा ऑनलाइन देखा अंदर अपने दिल्ली में मेरे पास भी टिकट्स का मौका था बट कभी नहीं जा पाया, बट आज मैं जा रहा हूँ। एंड पूरा प्रोसेस बताऊँगा कैसे जा पाया, टिकट इतनी मुश्किल से मिली वो भी एक, और मैं अकेला जा रहा हूँ, मेरे साथ अभी कोई नहीं है, बट तो भी इन्जॉय करूँगा। जैसा भी होगा आपको एक्सपीरियंस बताऊँगा, एंड CSK वाला ट्राई करूँगा कि देख पाऊँ, बहुत कम चांस है। बाकी भीड़ तो दिख ही रही है आप सबको, मज़ा आएगा, लेट्स गो। तो भाई वी आर दिस क्लोज टू द स्टेडियम, वो रहा स्टेडियम देखो, एंड बस इन 5 मिनट्स एंट्री हो जाएगी। तो भाई फर्स्ट चेक पॉइंट पास हो गया है, एंड ये भी अपने टिकट में दिखा सकता हूँ स्कैनर की, फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये व्लॉग बाद में आएगा, तो कोई एंट्री तो नहीं ले सकता मेरे उसके बिना। तो बस अभी गेट नंबर 7 से मेरी एंट्री है, तो चलो देख। तो भाई ये रहा गेट नंबर 2, यहाँ से आई गेस VIPs की एंट्री है सारी, क्योंकि अंदर काफ़ी मस्त बना हुआ है। जब मैं इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया वुमेंस के लिए आया तो यहीं से एंट्री हुई थी, बट मेरी यहीं अंदर। तो ये आ गया भाई अपना डिज़ायर्ड गेट, बट भाई इधर भी लाइन लंबी है काफ़ी, यहीं से बस अभी एंट्री होगी। भाई फाइनली इतना क्लोज, मतलब मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है यार, क्योंकि यार मैं चाहता था CSK वाला मैच देखना, बट RCB की भी टिकट मिल गई। एंड रास बताऊँगा एंड में आपको, भाई बाजू बाजू में ये सब देख के ना रोंटे खड़े हो रहे हैं मेरे, भाई मज़ा आ गया। बस एक बात है यार, मैं अकेला आया हूँ क्योंकि एक ही टिकट के इंतज़ाम हो पाया, बहन आती या दोस्त आते हैं, मम्मी पापा भी आते तो बहुत मज़ा आता, बट कोई बात नहीं, एक ही टिकट थी। आई विल इन्जॉय, अगली बार साथ में आऊँगा पक्का। भाई वी आर दिस क्लोज टू वानखेड़े, ढोल की आवाज़ आ रही होगी, ये तो महाराष्ट्र का फेमस है इसलिए बज रहा है गाइस। सो भाई फाइनली यार क्या प्लेस मिली है भाई स्टैंड की, जहाँ से अभी पूरी मुंबई इंडियंस की टीम जाएगी ऊपर, अभी प्रैक्टिस करी, सामने रोहित शर्मा उतरा है अभी, एंड सामने मुंबई इंडियंस का डग आउट है भाई, मज़ा आ गया यार। क्या स्टैंड है मेरी वहाँ पे है, बट मैं यहाँ पे आ गया हूँ रिकॉर्ड करने के लिए, वो रहा RCB के स्टैंड, वो देखो RCB टीम एज यूजल फुटबॉल खेल रही है, मुंबई इंडियंस की टीम है जो खेल रही है क्रिकेट। भाई यहाँ ऊपर ये देखो, ये रहा प्रेसिडेंशियल बॉक्स, यहाँ पे पूरे मतलब बड़े बड़े लोग बैठ रहे थे, एंड फैमिलीज लाइक 20-30 हज़ार वाली टिकट होती है वहाँ पे, ये मेरी कितने की है मैं एंड में बताऊँगा आप लोग को, ये कितने की मिलती है, बट बहुत अच्छी बात है कि 6 आ सकता है वहाँ से डायरेक्ट यहाँ उड़ते हुए, क्योंकि एकदम स्ट्रेट है पिच के, तो बहुत सही है भाई। एंड ये बता दूँ वहाँ वाले से बेटर प्राइज मिल रही है मेरे को, ये वाली प्राइस। भाई सचिन बाजी द लेजेंड, भाई अभी अभी सामने से सचिन तेंदुलकर गए, वो देखो भाई वो जा रहे हैं सामने, भाई मजा आ गया। ये देखो भाई मुंबई इंडियंस की टीम ये खेल रही है, प्रैक्टिस चल रही है इनकी, एंड इधर ये रही अपनी RCB, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। सूर्या तो भाई फाइनली एकदम शांति हुई है, तो मैं कुछ बोल रहा हूँ इसके बाद, तो आई गेस पूरा पीछे से बोलूँगा, कोई प्लेयर पक्का आ रहा है अभी भाई, सचिन आए सूर्य कुमार और रोहित शर्मा सामने से कर देगा, मज़ा आ गया, और भी आएंगे मैं दिखाता हूँ, चलो आगे बढ़ो, मिलते हैं आपको आगे। For Royal Challengers Bangalore, Faf du Plessis, and the captain for Mumbai Indians, Hardik Pandya. भाई टॉस टाइम है, इतना सन्नाटा इसलिए है, पूरे मैच में इसी वक्त होगा, इसके बाद नहीं होने वाला। Tails is the ball. Rohit Kumar wakes up.
आरसीबी सपोर्ट कर रहा हूँ, बट यहाँ फ्लैग है मुंबई का, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम ने दिया है। Suyo's thrown the side. Hey, hey, hey! It's the Hitman! Rohit Sharma! Man on a mission, Ishan Kishan! Hat-trick, teesri baar bhi haath upar. Who is... मुंबई इंडियंस की टीम पीछे वो आरसीबी कोहली एंड चौका लगाया अभी, देखो कैसा हाल है। जब बट विकेट गिरता है तो क्या हाल होता है भाई, पूरा झूम जाता है स्टेडियम भाई। विराट कोहली आउट हो चुका है, बुमराह बॉलिंग एंड पाटीदार शायद बैटिंग है। गाइस पोलार्ड एंड बुमराह इन वन फ्रेम। भाई यहाँ पे बॉल आई है जस्ट,
चाहिए। भाई साहब स्कोर देखो भाई, वन साइड हो चुका है मैच। आरसीबी अगेन हारने वाली आज। सूर्य भाई ऑन फायर। रोहित शर्मा इज बैक गाइस इन द पवेलियन एंड पांड्या भाई जा रहे हैं। पांड्या भाई जिताएंगे। तो भाई बस 11:15 हो गया है, मैच खत्म हो चुका है, आरसीबी हैज लॉस्ट। बस अभी चलते हैं, अभी पापा आएंगे लेने क्योंकि इस पर 137 बस भी नहीं मिलेगी। एंड मैं आज आरसीबी को सपोर्ट कर रहा था बट मैंने फ्लैग ले लिया क्योंकि मुझको क्रिकेट से प्यार है भाई। सो भाई फाइनली मैंने आज लाइफ में अपना एक आईपीएल का मैच देख लिया, आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस जीत गई भाई, बट मैं बस यही बोलूंगा मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मेरे को बहुत 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 मजा आया। अकेला था मैं क्योंकि टिकट्स की बहुत मारा मारी थी, एक भी मेरे को बहुत मुश्किल से पापा ने जुगाड़ कर दी, वरना ये भी नहीं मिलती तो अकेले गया। वरना अगर फैमिली होती, फ्रेंड्स होते, बहन होती, बहुत मजा आता भाई। बट कोई बात नहीं, अभी सीएसके का आ रहा है, आई विल ट्राई कि उसमें जा पाऊँ और साथ में कोई हो अगर उसकी टिकट मिल जाए, इसकी बहुत मुश्किल से मिली। बस लेट्स सी। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा भाई लाइफ में एक ना एक बार जाओ और बड़े मैच जाओ, लाइक मुंबई सीएसके, मुंबई आरसीबी, बड़े मैच भाई, या आरसीबी सीएसके भाई, बेस्ट एक्सपीरियंस होते हैं लाइव भाई। कमेंट्री नहीं सुनते हो, जोश सुनते हो, शोर सुनते हो ना भाई, समझ आता है कि प्लेयर्स को आवाज़ ही नहीं आती होगी भाई, क्या खेलते हैं। और भाई ओवरऑल वानखेड़े का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, खाना भी लाइक 300 में हो गया मेरा पूरा, तो ठीक था। तो चलो आपको मिलते हैं ऐसे कोई नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, सीएसके के लिए कर दो, मैं सीएसके का सपोर्टर हूँ, इसका भी नहीं हूँ, इसका भी नहीं हूँ। बट चलो आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।